गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है कार्तिक की पूर्णिमा, तो आप लोगों को हैप्पी कार्तिक की पूर्णिमा। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये है ब्लॉग तुलसी विवाह, क्योंकि आज मुझे करना है तुलसी विवाह और तुलसी मैया की शादी करनी है। तो देखते हैं किस तरह से मैं कर पाती हूँ। अभी तो मैं अपने ना सॉन्ग लगा दी तुलसी मैया के, है ना। तो उसके बाद मुझे करना साफ़ सफाई थोड़ी सी, और फिर नहाना नहा के फिर करती हूँ पूजा की तैयारी और तुलसी विवाह की तैयारी। तो बने रहना, ब्लॉग बहुत ही अच्छा है। तो ब्लॉग बहुत ही अच्छा है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और फुल वॉच कीजिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, नहा लिया है हम लोगों ने। तो अभी मैंने सब कुछ घर, तो मैंने फाइनली घर की साफ सफाई सब कुछ कर लिया है, और किचन वगैरह सब कुछ साफ है। और ये बाबू ने ना कल जल गया था, कड़ी बनाई हुई थी और मैं भूल गई, और कड़ी वगैरह सब जल गई थी। तो मैंने मेहंदी लगाई थी थोड़ी सी, 5 मिनट के लिए लगाई हुई थी, क्योंकि फिर मेरा बेटा उठ गया रोने लगा। तो फिर मैंने साफ कर दी मेहंदी को। तो अभी नेट पैंट भी लगाई है, रेड मैंने आज सूट पहन लिया, क्योंकि पूजा करेंगे तुलसी मैया के विवाह करेंगे, तो साड़ी पहनना मुझे अनकम्फर्टेबल लगता, क्योंकि बच्चे को भी संभालना होगा। तो पूरी करो, भाव से करो, विवाह करेंगे तो उसमें हम, जैसे पहले मैं सोचा था मैं सुबह कर दूँगी, और सुबह तो मेरी नहीं हो पाई, बहुत जल्दी वाली तो नहीं हो पाई सुबह, लेकिन फिर देखते हैं मंदिर में क्या सामान है क्या नहीं। नवी होगी रेडी, दूर हो जा दूर हो जा, आप तो कैमरे में घुसी जा रहे हो। तो बेटा मेरा भी सो रहा है, मेरे रेड गोपाल जी दूल्हे राजा एकदम से रेडी हैं, तैयार हैं, येलो कलर पहने हैं, जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, बहुत ही प्यारा कलर लगता है उनको, बहुत प्रिय है येलो कलर। तो वही मैंने बुलन का पहना दिया है, नहा दिया है, नहा के रेडी कर दिया, चंदन का टीका मैंने लगाया, बाकी रोली का अनान्या ने लगा दिया। तो इधर मैंने सामान रख लिया है, 5 दिए रखे हुए हैं, क्योंकि आज कार्तिक की पूर्णिमा भी है। तो 1 दिया मैंने घी का, और बाकी 4 मैंने जो होता पूजा वाला ऑयल जिसको बोलते हैं तिल का तेल उसका। इधर कुछ ड्राई फ्रूट मेवा है, और एप्पन भी हो रखा है, रोली है, हल्दी है, मिश्री है, और चंदन है, ठीक है, बाकी रोली है। इधर मैंने गणेश भगवान जी को, जो कि रोली में रफेड़ के रखा हुआ है, इनकी पहले स्थापना गणेश भगवान की पहले की जाती है पूजा में, सबसे पहले उनको अध्ययन मतलब ध्यान में रख के फिर चीज़ें शुभ आरम्भ होती हैं। जैसे विवाह में सबसे पहले गणेश भगवान जी को आगमन किया जाता है, उसके बाद ही विवाह स्टार्ट होता है, है ना। तो मैंने जैसे कि मार्केट तो मैं गई नहीं हूँ, मूंगफली के दाने मेरे पास थे नहीं, मैंने ढूंढे बट मिले नहीं हैं। तो मैंने पता क्या किया, जैसे कि 7 परिक्रमा लगाऊंगी तो मैंने 7 बादाम रख लिए, बाकी मैं अपने अनान्या को कन्या को किसी को भी दान कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने फल में, ये 2 फल मेरे पास जो भी थे घर पे वो मैंने रख दिए, लड्डू रख दिए हैं, बेसन के लड्डू हैं, ठीक है, और बाकी धूप दीप कपूर और क्या होता है रोली सब कुछ रख लिया। ये मेरे पास कोड़ा कपड़ा था, ये मैंने रख लिया माता रानी के लिए, तुलसी मैया के लिए। बाकी ये है पूजा की तैयारी, और ये है सादा सिंपल, और मैंने कुछ जो पैसे होते हैं, और इस कटोरी में रखा है मैंने कुछ मीठा, जैसे कि मिठाई गुड़ बोल सकते हैं आप, देसी गुड़। और इधर रखा है मैंने कलश, और देखते हैं फूल वगैरह लगे होंगे आंगन में तो मैं तोड़ के रख लूँगी उनको भी। तो चलते हैं तुलसी विवाह कर देते हैं बिल्कुल सादा सिंपल, क्योंकि बेटा है मेरा छोटा, तो मैं मार्केट वगैरह नहीं गई थी, घर पर कोई था नहीं, तो अकेले में जाने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी लग रही थी, मौसम आज का वेदर भी बहुत ठंडा सा है। तो चलते हैं इसी तरह, मतलब पूजा में भाव होना चाहिए, बाकी सब मन
से पूजा करो, सब ठीक है, भगवान स्वीकार करते हैं। तो मैं हर साल करती हूँ, तो मैं इस साल भी करने वाली हूँ। रेड शालिग्राम के साथ की हुई थी पूजा। इस साल तुलसी मैया की, रेड्डू गोपाल जी के साथ कर रही हूँ मैं तुलसी मैया की शादी। और शादी में आना भी आ गई है मेहंदी लगा कर। तो मैंने चौक वगैरह अष्टदल कमल बना लिया है, यहाँ पे अष्टदल कमल सामान भी मैं ले आई, और रेड्डू गोपाल जी को अनन्या लेकर आई थी, वो आमने सामने बिठवा दिया है ना। तो मैं यहाँ पे अष्टदल कमल बना रही थी, तो वहाँ पे मेरे गेट के पास ना दो डोगी हो रखे हैं, आई होप देख रहे होंगे, दोनों ऐसे देख रहे हैं, विवाह में ना शामिल हो गए हैं। ऐसे मंदिर में भी मैं बोल रही थी सभी भगवान जी चलो शादी हो रही है तुलसी मैया की, मतलब होता ना जैसे कि घर में भी शादी होती है तो सबको साथ में लेके चलते हैं, तो भगवान जी को जो मंदिर में बैठे हुए हैं मेरी मैदी, तो भगवान जी को आमंत्रित करना पड़ता है ना सबको, तो वैसे ही मैंने भगवान जी को भी कह लिया चलते हैं, अब करते हैं पूजा की तैयारी, पूजा की तुलसी विवाह भी है पूजा भी है, तो मेरे मुंह से ना बार बार पूजा पूजा निकल रहा है। ठीक है, चटाई चारे कितने आराम से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, शादी हो रही है, आ जाओ फिर इनके ना कुछ दिला खिला दूंगी, देखते हैं जो भी होगा, नहीं तो पूड़ी वगैरह अभी तली नहीं है। और हमारी तुलसा भैया देखिए कितनी प्यारी सी हो रखी है, नज़र ना लगे। ठीक है, तो इन्हीं की फाइनली मैं करने वाली पूजा, मिट्टी में है तो मिट्टी से फ्री मोड़ के बैठ गई आराम से, मैंने पायल रखी है तो और लेके आओ ना फूल और ले आओ, मेरे आंगन में यही वाले फूल हैं। तो फाइनली स्थल कमर बनाने के बाद अपना चौकी आसन रेड्डू गोपाल जी को विष्णु भगवान जी को दे दिया था है ना। उसके बाद मैंने एप्पन वगैरह लगाया था, 7 बार लगाया था, और एप्पन लगाने के बाद मैंने रोली लगाई हुई थी। और चलिए तो आप चाहें तो भगवान विष्णु जी की प्रतिमा भी रख सकते हैं, शालिग्राम है अगर आपके पास वो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने सोचा है आज मैं रेड्डू गोपाल जी के साथ, उनका ही रूप होते हैं विष्णु भगवान जी का है ना। तो जैसे कि मैंने की का दिया वगैरह आगमन कर दिया भगवान जी का, और चलते हैं गणेश भगवान जी का भी मैंने स्थापना कर दी है सुपारी में जो मैंने बनाया हुआ था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, यहाँ जो भी रिकॉर्ड हुआ ना आप लोग देख ही सकते हो कितना हवा बहुत तेज़ चल रही थी, और टाइम भी लगो हो गया था। और इधर मैंने जो तुलसी माता से जो रोली मोली धागा होता है उसको चुरा के मैंने रेड्डू गोपाल जी को मैंने अर्पित की हुई थी वरमाला, और रेड्डू गोपाल को चुरा के मैंने तुलसी माता को पहना के गठबंधन कर दिया था। और फिर चलते हैं जो मैंने जो भोग प्रसाद धूप दीप कपूर इन सब से मैंने आरती वगैरह की हुई थी, और जो भी मंत्र होते हैं श्री वासुदेवाय नमः और भी होते हैं रेड्डू गोपाल जी के और तुलसी मैया के अलग होते हैं वो सब, मैंने और गणेश भगवान के भी मंत्र होते हैं उन सबको याद करके, और जो वेद विधान से लगभग पूजा कर ली है, एक तरह की पूजा भी होती है और इसको विवाह भी कहते हैं। दूसरी साइड मैंने जो बादाम लिए हुए थे तो उनकी मैंने लगाई हुई थी परिक्रमा, मेरे साथ अनन्या भी लगा रही थी साथ में। तो इधर मैंने वीडियो की लेंथ मैंने स्पीड बढ़ा दी जिससे कि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। तो वैसे तो तुलसी विवाह देवटानी एकादशी को भी हो जाता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है विष्णु भगवान जी जो निंद्रा से जागते हैं देवठानी एकादशी वाले दिन से, और कार्तिक की पूर्णिमा तक होता है। तो आज लास्ट डे था तो फाइनली विवाह हुआ संपन्न। आप लोगों ने किया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कौन से दिन किया हुआ है। बिल्कुल फिक्स टाइम पे मेरा लल्ला उठा है, जाग गया है, पूजा विवाह कर दिया है तुलसी माता का, और कार्तिक की पूर्णिमा को ही होता है पूर्णिमा को, और जल वगैरह मैंने अभी मिट्टी जो कच्ची मिट्टी है ना उसमें अर्पित कर दिया है। अब चलेंगे, रेडी है एकदम से आरू, इधर देखो इसमें देखो आरू मेरा रेडी है, आना भी रेडी है आज। लो आपको वीडियो भी बना रहे हैं, तो बाकी मैं वॉइस ओवर लगा दूंगी, लगा दिया था वीडियो में आप लोगों ने देखा था। तो बहुत ही इस बार मैंने बहुत ही सादा सिंपल वाली तुलसी विवाह किया है, बहुत ही सादा सिंपल। तो चलते हैं अंदर,
अब यहाँ पे जो लड्डू गोपाल जी हैं कुछ टाइम बाद में उठा ले जाऊंगी, अंदर मंदिर में रख दूंगी क्योंकि बाहर नहीं ज़्यादा देर छोड़ सकते हैं। ठीक है, जब तक दीपक जलेगा ना घी वाला तब तक रहने देंगे क्योंकि माता रानी का आगमन है। ठीक है, तो चलते हैं भैया, लोटा भी हो रखा, बच्चा भी है, फोन भी है, तो उनकी लाइफ ना बहुत झंड हो रखी है। तो आ गए कमरे में, कमरे में हम तुम एक कमरे में बंद हो जाएं और दोनों बच्चे मिल जाएं, है बच्चे? हाँ, मम्मा के साथ। पहले मैंने सोचा था कि मैं खीर पूड़ी बना लूंगी, बट आटा लगा कर लगा रह गया, बना नहीं पाई। जो भी भोग का है शादी में, जो भी जैसे ड्राई फ्रूट, लड्डू ड्राई फ्रूट और ये जो भी था, तो उसको ही मैं बाहर डॉगी को डाल दूंगी क्योंकि वो भी शामिल हुए थे, तो कुछ देना बनता है। तो अब बहुत आराम से बैठे हुए थे, देखते हैं अभी हैं कि चले गए हैं। डॉगी आए बहुत भाग के, है ना, लड्डू डाल दोगी, दूर हो जाओ। तो ड्राई फ्रूट है और लड्डू हैं, लड्डू तो खा लिया है, बाकी बतासा है, देखते हैं काजू बादाम किशमिश खा रहे कि नहीं खा रहे, सूंघ रही है लोग, तो खा लेंगे थोड़ी देर में, सब बीन बीन के खा लेंगे, खाने लग खा भी लिए, बल्कि किशमिश विशमिश सब कुछ खा ली, किशमिश बादाम काजू जो भी पंचमेवा थी वो मैंने रखी हुई थी और लड्डू था, देखो है ना सब खा लिए, चलो अच्छा है। इंतजार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, क्या हो रहा क्या हो रहा, तो डोगी को खिला दिया है फाइनली, अब चलते हैं अंदर और हम भी कुछ खा लेते हैं। आरू इसको ले ले, काम करना पड़ रहा है।